हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन पीएचपी। तो इसमें सब बात करते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास की। ये हमारी 12th वीडियो है। इससे पहले मैं 11 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ इस सीरीज की। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने इंटरफेस के बारे में डिस्कस किया था। तो अब बात करेंगे हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेज के बारे में। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस हैं, जिनमें कुछ सिमिलरिटीज भी हैं। दोनों लगभग कुछ सिमिलैरिटीज हैं, मतलब दोनों का पर्पज कुछ हद तक सेम भी है, बट सेम बिल्कुल सेम भी नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास थोड़ी अलग होती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती क्या है। ठीक है, तो जैसे कि नेम है इसका एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मतलब समथिंग दैट इज हिडन। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है उसका कॉन्सेप्ट भी ऐसा ही होता है। यहाँ पर यस, द नेचर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास आर सेम। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेज आर दोज क्लासेज विच कैन नॉट बी डायरेक्टली इनिशलाइज। ठीक है, तो इनिशलाइज का मतलब हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। इनिशलाइज किसी क्लास को इनिशलाइज करने का मतलब होता है कि उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास हैं जिनको हम डायरेक्टली इनिशलाइज नहीं कर सकते हैं, उनका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, मतलब कि उनको इनिशलाइज नहीं कर सकते हैं, तो वो क्लास होती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जैसे कि दैट इज हिडन, समथिंग इज हिडन। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास मतलब कि उसके अंदर जो मेथड्स हैं, वेरिएबल्स हैं, तो उनको हम उनका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते उस क्लास का, तो उनको यूज नहीं कर सकते एक तरीके से डायरेक्टली, तो वो हिडन रहते हैं। मतलब उनको डायरेक्टली हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट यू कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेज ऑलवेज क्रिएटेड फॉर इनहेरिटेंस पर्पज। ठीक है, इनहेरिटेंस पर्पज के लिए ये क्रिएट की जाती हैं। इसका मतलब यह है कि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, तो फिर इनका यूज कहाँ पे होगा अगर उसका ऑब्जेक्ट ही नहीं बना सकते। तो इसका यूज होता है इनहेरिटेंस में। इसको कोई और क्लास है जो इनहेरिट कर सकती है, तो ये ऑलवेज इनहेरिटेंस पर्पज के लिए यूज किया जाता है। हम क्लास बनाते हैं, फिर उसको और क्लास इनहेरिट कर सकती है, बट उस क्लास का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो अब ये हम यहाँ पर प्रैक्टिकली करके देखेंगे कैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं सबसे पहले क्लास बनाता हूं। तो हम जैसे कि क्लास बनाते हैं, यहां पर मैं एक क्लास बनाता हूं एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नाम से। ठीक है, तो ऐसे हम क्लास बनाते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे कि मैं एक फंक्शंस डिफाइन कर लेता हूं कुछ। ठीक है, पब्लिक फंक्शन, सपोज एक फंक्शन मैंने यहाँ पर बना दिया गेट नेम। ठीक है, और इसका नेम गेट नेम मतलब कि, या फिर हम बना देते हैं प्रिंट नेम, मतलब कि किसी एम्प्लॉय का नेम प्रिंट करेगी ये क्लास। ठीक है, और सिंपल यहाँ पर प्रिंट करवाने के लिए दिस कीवर्ड का यूज करके हम नेम को इको करवा लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको इको करवा लेंगे और नेम को प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें जो नेम पैरामीटर है वो भी यहाँ पर एक्सेस करना होगा। ठीक है, ये एक हमने सिंपल क्लास बनाई है जो हम नॉर्मली जैसे बनाते हैं हम क्लास। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अभी हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं करके बता देता हूँ, वैसे तो हम कर चुके हैं। एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया और हम यहाँ पर एम्प्लॉय क्लास के, कहने का मतलब है कि इसका ऑब्जेक्ट बना दिया हमने। ठीक है, इतना ही करके देखते हैं। और इसको मैं अगर रन करवाऊंगा तो यहाँ पर हमें कोई एरर नहीं शो होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी एरर मैसेज नहीं आया है, क्योंकि हम इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नॉर्मल क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है। बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए हम इसके पहले एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड मैंने इस क्लास के आगे लगा दिया, तो अब ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई है। अब इसका आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। तो अगर मैं इसी को वापस से रन करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैसेज आ गया है कि कैन नॉट इनहेरिट इनिशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास, मतलब कि क्लास का ऑब्जेक्ट आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, इस वजह से
यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो ये मैसेज शो कर रहा है, तो मैं इसको अभी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने का मेथड, एब्स्ट्रैक्ट लगा देते हैं सिंपल उस क्लास के आगे, तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई। अब हम क्या करते हैं, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते तो इसका यूज क्या होगा, इसको कोई और क्लास है वो इनहेरिट कर सकती है, तो हम एक क्लास और बनाते हैं यहाँ पर जो इस क्लास को, एम्प्लॉय क्लास को इसको इनहेरिट करवाएंगे हम। तो सपोज मैं एम्प्लॉय में टीचर बना देता हूँ, टीचर क्लास, ठीक है। अब टीचर बना दिया तो टीचर का नेम तो होगा ही होगा कुछ, तो यहाँ पर मैं नेम बना दिया मैंने इसका ही, और यहाँ पर मैं इसके फंक्शंस कुछ भी मैं बना सकता हूँ, इसके जो नॉर्मल फंक्शंस हैं मैं बना देता हूँ, कुछ भी अदर फंक्शन, इसके कुछ अदर फंक्शन तो हो ही सकते हैं इस क्लास के, बट ये अगर इसको एक्सटेंड करेगी किसको, एम्प्लॉय क्लास को, तो ये इस फंक्शन को भी एक्सेस कर सकती है ये क्लास, ठीक है, क्योंकि हमने इसको इनहेरिट किया हुआ है एम्प्लॉय क्लास को, ठीक है। और इसके कुछ अदर फंक्शंस यहाँ पर हो सकते हैं, मैं इसको सिर्फ इतना ही छोड़ रहा हूँ सिर्फ बताने के लिए कि यहाँ पर कुछ अदर फंक्शंस भी हो सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे टीचर क्लास का, ठीक है। तो मैंने टीचर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है जो हम बना सकते हैं, और फिर इसके नेम में हम जो टीचर है उसका नेम हम असाइन कर सकते हैं कुछ भी, और फिर इसको हम प्रिंट भी करवा सकते हैं, ठीक है। प्रिंट करवाने के लिए हमें जो प्रिंट मैसेज है, सॉरी प्रिंट नेम फंक्शन है, उसको कॉल करवाना होगा, ठीक है। और उसको कॉल करवाने के लिए इसका नेम हमें यहाँ पर पास करना होगा, ठीक है। तो अब इस तरीके से हमने क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया, इसका ऑब्जेक्ट डायरेक्टली नहीं बना सकते, हमने देखा था एरर मैसेज आ रहा था। फिर हमने एक दूसरी क्लास बनाई जो उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर रही है, तो इस क्लास का फिर हम ऑब्जेक्ट बना के इस प्रिंट फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं। ये जैसे कि मैं इसको अगर रन करवाऊंगा तो यहाँ पर ही हमें प्रिंट कर रहा है नेम, जो कि टीचर क्लास का फंक्शन नहीं है प्रिंट नेम, फिर भी वो इसको एक्सेस कर रहा है, ये हमने देखा था। तो यहाँ पर जो मेन हमारा मकसद है वो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास को समझना, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम ऐसे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करके हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप क्या कर सकते हैं, इन इंटरफेस हमने इससे पहले डिस्कस किया था, तो इंटरफेस में क्या होता था कि हम सिर्फ फंक्शंस की, जैसे मैं यहाँ पर कुछ फंक्शंस बनाता हूँ, इंटरफेस में हम क्या करते थे, एक कोई फंक्शन बनाया मैंने, ठीक है, एबीसी नाम से, तो सिर्फ हम उसका यहाँ पर सिंटेक्स उसको सिर्फ डिफाइन करते थे, उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते थे। इंटरफेस में आप सिर्फ फंक्शंस को डिफाइन करते हैं, उसकी बॉडी आप नहीं डिस्क्राइब कर सकते थे। बट यहाँ पर जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या अलग होता है कि आप वैसा फंक्शन बना सकते हैं और उसकी बॉडी भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। और जैसे कि इंटरफेस में आप कोई फंक्शन बनाते थे, मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना देता हूँ, फंक्शन जैसे गेट परसेंटेज, ठीक है। तो ऐसा फंक्शन बना के हम इसको जैसे कि इंटरफेस में करते थे, सिर्फ उसकी सिंटेक्स डिफाइन करके हम इसको छोड़ सकते हैं। इंटरफेस में ऐसा ही हम करते हैं, फंक्शन की बॉडी नहीं दे सकते, बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम फंक्शन की बॉडी भी दे सकते हैं, और हम जो ऐसा एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन होता है, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसकी अपनी कोई बॉडी नहीं होती है, ठीक है, उसको एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बोलते हैं, और इसको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के द्वारा यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप इसको इंटरफेस में जैसे हमने डिफाइन किया था, सिर्फ सिंटेक्स डिफाइन किया और बॉडी भी डिफाइन कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। अब इसको जो क्लास वापस से इनहेरिट करेगी इस क्लास को, उस क्लास में हमें ये फंक्शन डिफाइन करना होगा जैसे कि हमने इंटरफेस में किया था। तो अब ये क्लास यहाँ पर एक्सटेंड कर रही है एम्प्लॉय क्लास को, टीचर क्लास, तो यहाँ पर हमें इस फंक्शन को डिफाइन करना होगा, डिस्क्राइब करना होगा, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये यहाँ पर एरर शो करेगा।
तो अगर अब मैं इसको यहाँ पर रन करवाऊंगा तो ये हमें एरर मैसेज शो करेगा यहाँ पर, ठीक है। देख यहाँ पर जो ये एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है तो ये तो यहाँ पर मैं इसको अगर रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर हमें, मैं इसको वापस से रन करवाता हूँ तो यहाँ पर ये यह हमें मैसेज, एरर मैसेज यहाँ पर प्रिंट करेगा कि टीचर क्लास कंटेन वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड इट मस्ट बी डिक्लेयर्ड, ठीक है। मतलब कि जो क्लास इसको इनहेरिट कर रही है तो एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जिसकी बॉडी आपको डिस्क्राइब करनी होगी यहाँ पर, ठीक है। तो इसको मैं अभी रिमूव कर देता हूँ। तो ये हमें एरर मैसेज शो कर रहा है क्योंकि हमने इस क्लास को इनहेरिट किया है और इसमें जो एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है इसको आपको डिफाइन करना होगा अगर आप इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कर इनहेरिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसकी अगर बॉडी यहाँ पर डिफाइन कर देंगे इस फंक्शन की तो हमें जैसे गेट गेट परसेंटेज इसकी यहाँ पर बॉडी कुछ भी, मैं अभी इसमें सिंपल इको करवा के वैसे ही प्रिंट करवा देता हूँ कि गेट परसेंटेज फंक्शन इज कॉल्ड, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने प्रिंट करवा दिया। तो अब हमने क्या किया, जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है इसको आगे जाके हमने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया है तो अब ये हमें एरर मैसेज शो नहीं करेगा, ठीक है। एरर यहाँ से गायब हो गई। तो इस तरीके से हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, फंक्शन बनाते हैं और उसकी बॉडी भी डिफाइन कर सकते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन जिसकी बॉडी नहीं होती वो भी हम बना सकते हैं। बाद में आगे जाके उसको कोई क्लास एक्सटेंड करेगी, इनहेरिट करेगी, तो उसमें हम उस फंक्शन की बॉडी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हुआ एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में, हमने यहाँ पर देखा। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज क्या होता है, इसको हम ऐसा क्यों करते हैं, इसकी क्या जरूरत पड़ी, तो वो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये सेम इंटरफेस जैसे ही है बट इसमें कुछ थोड़ा चेंजेस भी हैं, जो आपने देखा है कि इंटरफेस में हम बॉडी डिस्क्राइब नहीं कर सकते थे बट इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके यूज क्या है, हम इसको क्यों यूज करते हैं। तो इसका फायदा एक तो ये है कि इट इन्फोर्स सर्टेन हायरार्किकल फॉर ऑल द सब क्लासेस। मतलब कि हम जो यहाँ पर सब क्लास बना रहे हैं, जो हम ये सब क्लास बनाई है हमने इस क्लास की, एम्प्लॉय क्लास की, तो अब ये क्या कर रहा है कि इस क्लास को फोर्स कर रही है एम्प्लॉय क्लास कि आपको जो ये फंक्शंस हैं इसके अंदर डिफाइन है वो आपको बनाने ही हैं, इसमें जो फिक्स है इसमें वो फंक्शंस होंगे। जैसे ये फंक्शंस है और भी फंक्शन होते हैं तो फिक्स है, ये इन्फोर्स करेगी, इसको फोर्स करेगी कि ये फंक्शंस आपको इसमें डिफाइन करने होंगे, ठीक है, इसके बगैर एरर आएगी। तो ये एक तरीके से आप कुछ स्ट्रक्चर है जो उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में फिक्स कर सकते हैं, तो बाद में जो उसकी कोई चाइल्ड क्लास होगी उनको वो फोर्स करेगा, वो फंक्शंस मस्ट है उनके लिए डिस्क्राइब करना। तो ऐसा आपको कहीं रिक्वायरमेंट है तो आप वहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हैं। एंड सेकेंड इज वेहन वी नो ओनली फ्यू मेथड्स ऑफ ए क्लास देन वी कैन मेक एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। जैसे कि हमने इंटरफेस में भी डिस्कस किया था कि हमको पता है कि एक क्लास है, ठीक है, तो इसके हमें बस कुछ फंक्शंस पता है, ठीक है, कि ये फंक्शंस होने वाले हैं और इनका ये बॉडी होने वाली है, बट हमें नहीं पता कि और फंक्शंस हो सकते हैं, बट हमें नहीं पता कि उनका कंटेंट क्या होगा या उसमें क्या लॉजिक लगने वाला है, हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, जो पता है उन फंक्शंस को डिफाइन कर देंगे बॉडी के साथ, और जो नहीं पता कि उसका बॉडी क्या होने वाला है, उसका लॉजिक क्या होने वाला है, तो वो हम सिंपल एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बना के छोड़ देंगे और बाद में फिर उसको इनहेरिट करेंगे तो बाद में उसका हम बॉडी वहां पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये ही दो इसके मेजर यूज हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के। तो इस वीडियो में हमने इतना ही डिस्कस किया है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, इसके क्या यूजेज है। तो इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।